ये है गिलगित बल्तिस्तान। नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहां है, दुनिया के किस हिस्से में है? हमारे स्कूलों के सिलेबस की किताबों की माने तो ये हमारे 15 स्टेट यानी जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है, लेकिन अगर हकीकत को जाने तो जल्द ही गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां आधिकारिक प्रांत बनने वाला है, यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद 5वां प्रांत गिलगित बल्तिस्तान। जल्द ही यूएन समेत दुनिया के तमाम देशों के नक्शे में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पाकिस्तान का मैप कुछ ऐसा होगा, लेकिन भारत में इसकी ना तो कोई खबर है ना कोई चिंता। चर्चा तो आप भूल ही जाइए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। गिलगित बल्तिस्तान 1947 में आजादी से पहले जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत के साथ हुआ तो ये स्वतः ही भारत के संविधान और भारत के नक्शे का अटूट अंग बन गया, अटूट हिस्सा, जिसको पाकिस्तान ने हमला करके अपने अवैध कब्जे में ले लिया था। 21 अप्रैल 1948 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को एग्रेसर माना और उसे अवैध कब्जे वाला इलाका खाली करने को कहा। यहां तक कि अगले 70 सालों तक पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक भी गिलगित बल्तिस्तान कभी पाकिस्तान का संवैधानिक हिस्सा नहीं रहा। दरअसल पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए, एक हिस्से को कहा आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरे हिस्से गिलगित बल्तिस्तान को कहा नॉर्दर्न एरिया। लेकिन एक नाटक ही सही, पाकिस्तान ने इन दोनों क्षेत्रों को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता रहा। यानी पाकिस्तान के संविधान, उसके सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसे इदारों का सीधा दखल इन दोनों क्षेत्रों में नहीं था। इस दौरान हमारे देश को भी यही उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हम इस हिस्से को वापस हासिल कर लेंगे, और शायद हमारी सरकारों को भी यही उम्मीद थी कि इसको वापस हासिल करें ना करें, पाकिस्तान कभी इस हिस्से को अपना आधिकारिक प्रांत नहीं बना पाएगा। 1994 में भारतीय संसद में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया कि पीओजे के भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को पीओजे के यानी पीओके का इलाका खाली करना होगा। लेकिन अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत जरदारी सरकार ने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की कवायद शुरू की। इस पर भारत ने आपत्ति जताई और पाकिस्तान को चिट्ठी लिखकर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, इसीलिए वो कुछ ना करें। लेकिन कुछ सालों बाद 2015 में चीन और पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। भारत ने फिर शिकायती चिट्ठी लिखी, लेकिन दोनों देश नहीं माने। गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया और इस कॉरिडोर से दोनों देशों के बीच एक बस सर्विस भी चलनी शुरू हो गई। और अब फाइनली पीएम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने को मंजूरी दे दी। साथ ही यह भी बता दिया कि वो कैसे इस क्षेत्र को विकसित करने वाले हैं। मलेशिया 20 अरब अगर डॉलर कमाता है तो स्विट्जरलैंड तो कम अज कम उसे 3-4 गुना ज्यादा कमाता होगा। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो दुगना साइज है स्विट्जरलैंड का, और 6 दुनिया जो दुनिया के टॉप सबसे ऊंचे पहाड़ हैं उनमें से 6 पाकिस्तान में है। तो हमने अब एक नेशनल टूरिज्म टास्क फोर्स बनाई है मेरे नीचे। हर साल 4 या 5 नई रिजॉर्ट्स हम अपनी पहाड़ी इलाके में खोलेंगे। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान के स्थानीय निवासी पाकिस्तान की इस नाजायज कोशिश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में पूरे पीओजेके के 40 से ज्यादा शहरों में पाकिस्तान विरोधी रैलियां निकाली गई, प्रदर्शन किए गए। यहां तक कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 दिसंबर 2018 को दिए गए फैसले में माना कि गिलगित बल्तिस्तान एक विवादित क्षेत्र है, लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता। साफ है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने अपनी चालें धीरे धीरे चली, लेकिन सवाल यह है
इन 70 सालों में भारत ने अपना हिस्सा वापस लेने के लिए क्या किया, क्या पॉलिसी बनाई। अगर आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना प्रांत बना लेता है तो भारत की काउंटर पॉलिसी क्या होगी? इसका जवाब है शून्य। गिलगित बल्तिस्तान को लेकर भारत में ना तो कोई स्पष्टता है, ना कोई विजन है और ना ही कोई आम कंसेंसस है। जब ये सब नहीं है तो पॉलिसी कहां से आएगी?